द क्राइम ऑफ पाड्रे अमारो एक मैक्सिकन ड्रामा है। ये कहानी एक जवान पुरोहित पाद्री अमारो की है। कैसे धर्म और जवानी की खींचतान ने उसे एक विधर्मी बना दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नवनियुक्त पाद्री अमारो लोस रईस नाम की छोटी सी म्यूनसिपालिटी में पदस्थापित किया गया है। नया नया पादरी बना है, धर्म के ज्ञान से ओतप्रोत है। जब वो लोस रईस की यात्रा में था, अचानक बस में डाका पड़ गया। अमारो के बगल में बैठे आदमी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लुटेरों ने उसे सब कुछ लूट लिया। अगली सुबह जब वे लोस रईस पहुंचे, पादरी अमारो ने उसे अपनी तरफ से कुछ पैसे दे दिए। अचानक से हुए इस कृतज्ञता का उस बुजुर्ग के पास कोई जवाब नहीं था। अमारो जवान और हैंडसम है। लोस रईस गिरजाघर के बाहर खड़ी लड़कियों को अंदाजा भी नहीं है कि यह लड़का यहाँ का नया पादरी होने वाला है। जब वो गिरजाघर में घुस ही रहा था, यहाँ ड्यूनीसिया नाम की अजीब सी महिला मौजूद है। जितनी धार्मिक दिखती है उतनी ही अंदर से चुड़ैल भी है। एक जवान पादरी को आते देख उसे आने वाले आफत की भनक लग गई थी। फादर बेनोट यहाँ उसका सीनियर पुरोहित होगा, बहुत समय से यहीं पोस्टेड है। पूरे लोस रईस में उसका बड़ा नाम है। उसने मिशन के बड़े ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक लोकल हॉस्पिटल बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। लोगों ने जमकर उसे डोनेशन भी दिया है। यहाँ उसे फादर बेनोट को रिपोर्ट करना है, मिशन के काम में उसका हाथ बटाना है। पर हॉस्पिटल बनवाना इतना भी आसान नहीं है। टाउन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च के कामों पर आलोचनात्मक रवैया रखते हैं। इन्हीं में से एक डोन पाको है, एक इंटेलेक्चुअल है। उसका बेटा रूबेन अभी अभी लोकल अखबार में रिपोर्टर बना है। रूबेन की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम एमिलिया है। चर्च के कामों में बड़ी रुचि लिया करती है। वीकेंड में बच्चों को चर्च आकर धर्म शिक्षा पढ़ाया करती है। रूबेन का पिता डोन पाको अक्सर उससे कहता है कि उसे एक धार्मिक लड़की के बजाय किसी लिबरल लड़की से अफेयर रखना चाहिए, पर रूबेन को जैसे एमिलिया ही पसंद है। गेस्ट हाउस में पहली रात पादरी अमारो के लिए थोड़ी अजीब थी। उसने देर रात फादर बेनोट के कमरे से एक महिला को बाहर आते देखा। अगली सुबह जब फादर अमारो चर्च में कम्युनियन दे रहा था, ड्यूनीसिया की नज़र एमिलिया पर ही टिकी थी। वो देख रही थी कि एमिलिया किस तरह नए पादरी को निहार रही है। उसने उसके बॉयफ्रेंड रूबेन के कान भर दिए। कहती है कि एमिलिया नए पादरी को पसंद करती है। इस बात पर चर्च के बाहर एमिलिया और रूबेन में अच्छी खासी बहस हो गई। अगली सुबह फादर बेनोट अमारो को ब्रेकफास्ट के लिए लोकल रेस्टोरेंट ले जाता है। इस रेस्टोरेंट की मालकिन वही महिला है जो उस रात फादर बेनोट के कमरे से बाहर आ रही थी। इस महिला का नाम अगुस्तिना है, एमिलिया उसी की बेटी है। पादरी अमारो को यहाँ देख कर एमिलिया थोड़ी एक्साइटेड है। फादर बेनोट के मना करने पर भी वो अगले दिन अमारो को नए बन रहे हॉस्पिटल की साइट पर ले गई। ये एक विशाल हॉस्पिटल होगा, लगता है यहाँ के लोगों ने जमकर डोनेशन दिया है। यहाँ पादरी अमारो के लिए एमिलिया के अफेक्शन को देखा जा सकता है। आजकल वो पाप स्वीकार के बहाने अक्सर चर्च आने लगी है, अमारो से अपनी इंटीमेसी शेयर करती है। आजकल उसने अपने बॉयफ्रेंड रूबेन से दूरियाँ बना ली, उसके फ़ोन का भी कोई जवाब नहीं देती है। रूबेन उसके टाइप का नहीं है, उसे तो वो एक कम्युनिस्ट लगता है। एक दिन डिनर के टाइम फादर बेनोट की एक दूसरे फादर फादर नतालियो से बहस हो जाती है। नतालियो टाउन से दूर किसानों के हक के लिए लड़ रहा है, वो हमेशा रेबल्स का साथ देता है। शहर का एक बड़ा ड्रग माफिया है चाटो अगुइलर, वो अफीम की खेती के लिए किसानों की जमीन हड़प रहा है। जो किसान उसके लिए अफीम नहीं उगाते हैं वो उसे मौत के घाट उतार देता है। पुलिस प्रशासन सब उसकी जेब में है। जब बेनोट नतालियो पर आरोप लगाता है कि वो रेबल्स को भगाने और बचाने में मदद करता है, वो फादर बेनोट पर भड़क उठता है। कहता है कि क्या उसे पता नहीं है टाउन में हॉस्पिटल बनाने के नाम पर कैसे माफिया चाटो अगुइलर के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। बाद में जब अमारो फादर नतालियो से पूछता है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात सही है, तो नतालियो कहता है कि उसे फिलहाल शक भर है। पर नतालियो ने चाटो और फादर बेनोट की मिली भगत के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। एक सुबह चाटो का एक आदमी फादर बेनोट को लेने आता है। आज माफिया के बेटे का बैप्टिज्म सेरेमोनियल है।
फादर नतालियो के एक आदमी ने इस सेरेमोनियल में फादर पेनोट और चाटो अगोइलार की एक साथ कई फोटो एक लोकल न्यूज़पेपर में लीक कर दी। नतालियो के पास सारे सबूत थे कि कैसे फादर बेनोट एक ड्रग कार्टेल के पैसे को विदेशी फंडिंग के नाम पर लॉन्डर कर रहा है। अखबार में इस खबर पर आर्टिकल लिखने वाला एमिलियो का बॉयफ्रेंड रूबेन था। अगली सुबह जब इस कांड का खुलासा मार्केट में आया तो खबर ने पूरे टाउन में सनसनी फैला दी। एमिलिया ने भी अपने आराध्यों के खिलाफ ऐसी खबर लिखने के लिए रूबेन को जमकर खरी खोटी सुनाई। बाद में मामला दबाने के लिए बेनोट ने शहर के मेयर की मदद ली। सारे लॉन्डर किए पैसों को म्यूनसिपालिटी से मिले डोनेशन की तरह दिखा दिया। इधर बिशप को भी इस स्कैंडल की कोई खास चिंता नहीं थी। उसे थोड़ी चिंता थी तो फादर नतालियो की। वो बेवजह किसानों के मामले में उलझ रहा है। उसने नतालियो पर लगाम लगाने के लिए उसे नंस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया। जब यह खबर अमारो ने फादर नतालियो को सुनाई तो उसने कॉन्वेंट में पादरी बनने से पूरी तरह मना कर दिया, चाहे इसके लिए कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े। कुछ दिनों बाद जब फादर बेनोट के मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला साफ हो गया तब अमारो ने चर्च में ऐसा उपदेश दिया जैसे वो कह रहा हो कि इसके लिए डॉन पाको और उसके परिवार को माफ नहीं किया जाना चाहिए। बाद में पागल डियोनीसिया ने कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके रूबेन के पिता डॉन पाको के घर पर पत्थर फेंके और नारेबाजी की। उस रात जब अमारो लंच के लिए अगुस्तिना के रेस्टोरेंट में जाता है, यहाँ एमिलिया उससे कहती है कि एक तरह से डॉन पाको के घर लोगों ने पत्थर फेंक कर अच्छा ही किया, उसे अब रूबेन और उसके परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं है, उसके हिसाब से वे विधर्मी हैं। एमिलिया धार्मिक है और उसे नया पादरी अमारो पसंद है। उसने जल्दी ही रूबेन से भी ब्रेकअप कर लिया। रूबेन जानता है कि एमिलिया ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा है कि वो फादर बेनोट के करप्शन का खुलासा कर रहा था या धर्म पर कीचड़ उछालता है, बल्कि उसने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो नए पादरी अमारो को पसंद करती है। उस शाम उसने सड़क पर अमारो पर हमला कर दिया और उसकी पिटाई की। एक तो अमारो की वजह से लोगों ने उसके घर पर पत्थर फेंके और दूसरा कि उसकी गर्लफ्रेंड एमिलिया उससे दूर चली गई। लेकिन ऐसा करना रूबेन को और भी भारी पड़ने वाला था। एमिलिया उसे विलेन और अमारो को हीरो समझने लगी है। उस रात चर्च पूरी तरह सुनसान था। अच्छा मौका था, अमारो और एमिलिया पहली बार इतने करीब आए थे। इसके बाद कुछ दिनों तक वे बहाने से एक दूसरे से मिलते रहे। अमारो ने ज़्यादा समय उसके साथ गुजारने के लिए अपने एक असिस्टेंट मार्टिन को मिले घर का एक छोटा सा कमरा ले लिया। उसकी एक मानसिक रूप से बधिर बेटी है, उसके बगल का कमरा खाली पड़ा है। अमारो ने मार्टिन को कहा कि वो यहाँ एमिलिया को नन बनने के लिए तैयार करेगा, लेकिन वो ध्यान रखे कि इस बारे में किसी से कुछ ना कहें। जाहिर सी बात है कि वो यहाँ एमिलिया को कोई नन बनने के लिए तैयार नहीं करने वाला है, पर सब कुछ समझते हुए भी मार्टिन पादरी की बात नहीं टाल सकता है। धीरे धीरे उनका अफेयर हर सीमा पार करता गया। एमिलिया चाहती है कि अमारो प्रिस्टहुड छोड़कर उसके साथ शादी कर ले। उससे उम्मीद है कि अमारो उससे इतना प्यार तो करता ही है कि कम से कम अपना प्रोफेशन तो छोड़ ही सकता है, पर अमारो का जवाब सुनकर उसे निराशा होती है। वो प्रिस्टहुड नहीं छोड़ सकता है। कहता है कि क्या मैं सब छोड़कर मामूली सा सिविक टीचर बन जाऊं? मेरी इतनी सारी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही बर्बाद कर दूं? जाहिर सी बात है कि पादरी अमारो उससे शादी नहीं करने वाला है। वो भी अपनी माँ अगुस्तिना की तरह एक प्रिस्ट का मात्र अफेयर बनकर रह जाएगी। एक दिन मार्टिन फादर अमारो और एमिलिया के बारे में फादर बिनोट को सब बतला देता है, कैसे वो उसके घर के एक कमरे का इस्तेमाल एमिलिया से मिलने के लिए कर रहा है। जब फादर को पता चलता है तो वो सेक्सोन के घर पर उसे रंगे हाथों पकड़ता है, पर अमारो उल्टे फादर बेनोट पर ही आरोप लगाने लगता है। कहता है कि अगर मेरा अफेयर गलत है तो उसका और अगुस्टीना का मिलना भी पाप है। कुछ दिनों बाद ही अमारो ने मिलने का नया कमरा ढूंढ लिया, पर जब वो ये बात एमिलिया को बतलाता है वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने अमारो को अपसेट कर दिया है। कुछ ही दिनों में एक और समस्या सर पर आ पड़ी। फादर बेनोट को दिल का दौरा पड़ा है। अब चर्च और हॉस्पिटल बनवाने की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ पड़ी है। जब फादर बेनोट बीमार पड़ा, अमारो ने उसके सहयोगी मार्टिन को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने फादर बेनोट को उसके और एमिलिया के बारे में बताया था। बेचारे मार्टिन को अपनी अपंग बेटी के साथ वहाँ से जाना पड़ा। अमारो ने उस पर जरा भी दया नहीं की। इधर जब वो एमिलिया से मिलता है, कहता है वो 9 महीने विला अल्दामा में रहे, वहाँ रहकर बच्चे को जन्म दे,
फिर बच्चा किसी अनाथालय में दान कराए। मैं एक प्रीस्ट हूँ और तुम पहले से जानती थी कि मैं कोई रिश्ते में नहीं बन सकता हूँ। पर एमिलिया कहती है कि जो हो जाए वो अपना बच्चा अनाथालय में नहीं देगी। तब अमारो उसे एक उपाय सुझाता है, कहता है कि क्यों ना वो वापस अपने बॉयफ्रेंड रूबेन के पास चली जाए, उससे शादी करके बच्चा रूबेन के नाम पर ही जने। रूबेन आजकल मेक्सिको सिटी में एक नए अखबार के लिए काम करता है, नौकरी भी पहले से बड़ी है। एमिलिया को उम्मीद है कि वो उसे शादी करने के लिए मान जाएगा, पर जब वो रूबेन से मिलती है वो उसे वापस अपनाने से मना कर देता है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, अब एमिलिया से पल्ला झाड़ने का अमारो के पास कोई चारा नहीं बचा। वो मजबूरन डियोनीसिया से मिलता है। डियोनीसिया बच्चा अबोर्ट करने के कई क्लिनिक जानती है, पर पादरी को पैसे खर्च करने होंगे। अमारो नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुका है, अब तो फादर नतालियो भी उसकी पोल खोलने के लिए वहाँ नहीं रहेगा। बिशप ने रेबल्स की मदद के आरोप में उसे प्रिस्टहुड से बर्खास्त कर दिया है। एक रात वो ड्यूनीसिया के साथ एमिलिया को किसी क्लिनिक में ले गया, यहाँ उसका एबोशन होने वाला है। पर एबोशन के दौरान कुछ गड़बड़ी हो जाती है, एमिलिया का खून बंद नहीं हो रहा है। दूसरे हॉस्पिटल लेने के क्रम में तड़पते हुए गाड़ी में ही उसकी मौत हो गई। अगली सुबह अमारो मासूम सी सूरत लेकर चर्च में एमिलिया की आखिरी सेरेमनी करता है। एक समय था जब वो नया नया लॉस रेइस आया था, तब उसमें धर्म के आदर्श भरे हुए थे, पर वो इसे अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं कर पाया। दुनिया के सामने वो किसी संत की तरह है, पर असल में ड्यूनीसिया की तरह ही विकेट है। पूरा लॉस रेइस जानता था कि एमिलिया का बॉयफ्रेंड रूबेन है। सब यही बातें कर रहे हैं कि विधर्मी डोन पाको के बेटे रूबेन ने एमिलिया को गर्भवती करके छोड़ दिया, और जब एबोशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो गए तो फादर अमारो ने एमिलिया की जान बचाने की पूरी कोशिश की। एमिलिया को हॉस्पिटल लेने के दौरान फादर की गाड़ी में ही बेचारी की मौत हो गई। फादर अमारो किसी संत से कम नहीं है, पर भले ही शहर कुछ भी बातें करे, वो चर्च में कितना भी दिखावा कर ले, फादर बेनोट और मार्टिन जैसे कुछ लोग हैं जो उसका राज जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।